हेलो एंड वेलकम बैक टू टूरिज्म नोट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजीसीए के बारे में डीजीसीए स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया रेगुलेटरी मतलब जो रेगुलेशन बनाता है ये पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है सिविल एयर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के लिए ठीक है सिविल यहां हम सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि जो आप नॉर्मल एयरक्राफ्ट देखते हो जिससे आप फ्लाई करते हो वो हो गया आपका सिविल एविएशन दूसरा भी एक एविएशन होता है जो है डिफेंस एविएशन ठीक है तो तो एविएशन के लिए काफी ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब एयर की बात आती है जब एयर ट्रांसपोर्ट की बात आती है वो काफी सेंसिटिव हो जाता है जैसे कि कोई भी एयरक्राफ्ट में आप मान के चलोगे दो ढाई सौ लोग ट्रैवल करते हैं अगर वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है तो दो ढाई सौ लोगों की जान बिल्कुल चली जाएगी और जो ग्राउंड पे हैं उनकी भी जान खतरे में आ जाती है तो इसको रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है इसको रेगुलेट करता है डी जिसका मतलब होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सेकेंड हम बात करते हैं कि कब एस्टेब्लिश हुआ था इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन 1940 में एस्टेब्लिश हुआ था तब यह था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास 1984 में यह आ गया मिनिस्ट्री ऑफ के पास पर जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1940 में ही हुआ था तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता रहा हूं पहला जो ऑब्जेक्टिव है एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इन इंडिया दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है सुपरवाइजिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड एयर नेविगेशन सर्विसेज जो है इंडिया में उसको पूरा पूरा कंट्रोल करता है डीजीसीए थर्ड जो है ये लाइसेंस लाइसेंस प्रोवाइड कराता है जो एविएशन पर्सनल्स होते हैं जैसे कि पायलट्स हो गए इंजीनियर्स हो गए इनको लाइसेंस प्रोवाइड कराता है डीजीसीए फोर्थ जो है इसके अंडर सारे के सारे जो आपके एयरपोर्ट आते हैं डीजीसी के अंदर तो एयरपोर्ट का जो मेंटेनेंस होता है इसका जो रेगुलेशन होता है ये सारा का सारा काम करता है डीजीसी फिफ्थ पॉलिसीज़ बनाता है सिविलाइजेशन के लिए ठीक है पहला है एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सेकेंड एयर ट्राफिक कंट्रोल थर्ड लाइसेंस देता है जो एविएशन के लोग होते हैं पायलट्स हो गए इंजीनियर्स हो गए फोर्थ सारे सारे एयरपोर्ट इसके अंडर आते हैं फिफ्थ ये पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस बनाता है सिविल एविएशन सेक्टर में इंडिया में आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच